कैपिटल गेन टैक्स को लेकर खबरें इन दिनों जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। पूरी कवायद कैपिटल गेन टैक्सेशन को आसान बनाने की है। दरअसल सरकार इक्विटी, डेट और प्रॉपर्टी जैसे निवेश के मामलों में होल्डिंग पीरियड और कर की दरों में एकरूपता लाना चाह रही है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से विभिन्न रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मौजूदा वक्त में इस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों पर एक जैसा कर नहीं लगता है और अलग अलग होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होता है, जिसे तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। आयकर कानून के तहत कैपिटल एसेट की बिक्री से होने वाला मुनाफा कैपिटल गेन टैक्स की श्रेणी में आता है। फिर चाहे बात मूवेबल एसेट की हो या इमूवेबल एसेट की, कार, कपड़े और फर्नीचर जैसे एसेट को इस दायरे से बाहर रखा गया है। आमतौर पर 3 साल से कम समय के लिए रखी गई किसी भी एसेट को शॉर्ट टर्म एसेट माना जाता है, लेकिन कुछ एसेट्स को इससे अलग रखा गया है, जैसे स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड शेयर और प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड को 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म एसेट माना जाता है। 1,00,000 रुपए से ऊपर के मुनाफे पर 10% टैक्स लगता है। इक्विटी में 1 साल से कम निवेश करने पर शॉर्ट टर्म माना जाता है और 15% की दर से कर लगता है। अनलिस्टेड शेयर के मामले में होल्डिंग पीरियड 24 महीने है। 24 महीने से ज्यादा रखकर बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इसी प्रकार डेट फंड, ज्वेलरी में कम से कम 3 साल के लिए किए गए निवेश को लॉन्ग टर्म, जबकि अचल संपत्ति जैसे घर, जमीन, बिल्डिंग को कम से कम 2 साल रखकर बेचने पर लॉन्ग टर्म माना जाता है। ऐसे में मुनाफे पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% का टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी को 2 साल और ज्वेलरी को 3 साल से कम रखने पर शॉर्ट टर्म माना जाता है और बिक्री से होने वाले मुनाफे पर व्यक्ति के टैक्स स्लैब के हिसाब से कर लगता है। टैक्स एक्सपर्ट और सीए सुनील गर्ग बताते हैं कि सरकार लंबे समय से कैपिटल गेन टैक्स को आसान बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल लिक्विड एसेट का होल्डिंग पीरियड कम होना चाहिए, जबकि फिक्स्ड एसेट का होल्डिंग पीरियड ज्यादा होना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि सरकार लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पीरियड को 2 हिस्सों में बांट सकती है। बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर जैसी लिक्विड एसेट के लिए होल्डिंग पीरियड 12 से 24 महीने हो सकता है। वहीं अचल संपत्ति जैसे जमीन या फ्लैट, पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के लिए लॉन्ग टर्म अवधि को 48 महीने किया जा सकता है। गर्ग कहते हैं कि कैपिटल एसेट की बिक्री से मुनाफे पर लगने वाली आयकर की दरों को लेकर भी आपत्तियां हैं, क्योंकि 3-4 तरह के स्लैब हैं, जैसे 10%, 15%, 20% आदि। इनकी जगह पर सरकार 2 स्लैब रखने पर भी विचार कर रही है, ताकि निवेशकों को होने वाली कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके।